नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। बाप बेटी का रिश्ता काफी पवित्र होता है। पिता हमेशा अपनी बेटी की हिफाजत करता है, लेकिन अगर आपसे हम कहें कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां बेटियों की शादी उनके पिता से ही करवा दी जाती है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। समाज में अक्सर हमें अजीबोगरीब प्रथाएं देखने को मिलती है, जिन्हें देखकर हमें हैरानी भी होती है और कभी कभी हंसी भी आती है। ऐसे ही एक प्रथा के बारे में आज हम आपको बताना चाह रहे हैं, जिसे सुनकर आपको हैरानी तो होगी, साथ में आप ये सोचने के लिए भी विवश हो जाएंगे कि समाज में ऐसे कैसे हो सकता है। बांग्लादेश की मंडी जनजाति में यह अजीबोगरीब परंपरा है। इस प्रथा की शिकार हुई एक महिला ने अपना दर्द लोगों के साथ साझा किया। यहाँ रहने वाले 30 वर्ष की ओरेला के पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। ओरेला इतनी छोटी थी कि उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। ओरेला ने बताया कि उनके दूसरे पिता का नाम नॉटेन था। नॉटेन को बहुत पसंद करती थी और यही सोचती थी कि उसकी माँ कितनी किस्मत वाली है जिसे नॉटेन जैसा पति मिला। लेकिन जब ओरेला बड़ी हुई तब उसे पता चला कि उसके दूसरे पिता ही उसके पति हैं। ये सुनते ही ओरेला के कदमों तले जमीन खिसक गई। उसने पिता की तरह जिस आदमी को देखा, बाद में पता चला कि 3 साल की उम्र में ही उसकी शादी पिता से करवा दी गई है। ये एक ऐसी प्रथा है जहाँ कम उम्र में विधवा हुई लड़कियों की शादी दूसरे व्यक्ति से करवा दी जाती है, और जब वो महिला किसी बेटी को जन्म देती है तो उसकी शादी भी उसी व्यक्ति से करवाई जाती है। माना जाता है कि कम उम्र का पति नई पत्नी और उसकी बेटी का भी पति बनकर दोनों की सुरक्षा लंबे वक्त तक कर सकता है। ये बड़ी ही अजीब प्रथा होती है। ताजुब की बात तो ये है कि आज भी इस कुप्रथा को माना जाता रहा है।